जी हाँ, सरकारी टेस्ट में फेल हो गए हैं बाबा रामदेव के 6 प्रोडक्ट्स। रामदेव के पतंजलि योगपीठ का ये बेसन जो आप देख रहे हैं, ये बेसन भी फेल हो गया है। इतना ही नहीं, बेसन की हम बात नहीं कर रहे हैं, और भी जो उत्पाद वो बनाते हैं, जैसे कि कच्ची घानी सरसों के इस तेल पर भी रिपोर्ट पे सवाल उठाए गए हैं। ये है कच्ची घानी का सरसों का तेल और इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और कमोबेश यही हाल है इस पाइनएप्पल जैम का भी। ये पाइनएप्पल का जैम जो कि फेल हो गया है, वो टेस्ट जो उत्तराखंड खाद्य विभाग ने किया है। इतना ही नहीं, नमक, काली मिर्च, लीची का शहद, ये तमाम वो उत्पाद हैं जिनके सैंपल्स फेल हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। योग से आयुर्वेद और आयुर्वेद से किराना तक बेचने लगे हैं बाबा रामदेव, लेकिन खाद्य विभाग की रिपोर्ट ने बाबा रामदेव के इस कारोबार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। हरिद्वार के डीएम सचिन कुर्वे के मुताबिक 16 अगस्त को सैंपल लिए गए थे और रुद्रपुर लैब में टेस्ट के बाद 6 चीजें नेगेटिव पाई गईं। जो चीजें खाद्य विभाग के पैमानों पर खरी नहीं उतरी वो है नमक, काली मिर्च और बेसन। सैंपल की जाँच के बाद पाइनएप्पल के जैम को भी फेल करार दिया गया। बाबा रामदेव के ये प्रोडक्ट्स काफी मात्रा में बिकते हैं, हमारे देखते ही देखते काफी तादाद में लोग आए और उन्होंने ये प्रोडक्ट्स खरीदे। इनमें से जो सबसे ज्यादा बिकने वाला कड़वा तेल है, उसके साथ साथ ये बेसन है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आधा किलो का बेसन है, 45 रुपए इसका दाम है। इसी तरीके से ये पाइन एप्पल जैम है जिसको कि हरिद्वार प्रशासन ने नेगेटिव पाया है, 70 रुपए इसका दाम है, आधा किलो का है। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खूब लोकप्रिय भी हैं और काफी तादाद में बिक भी रहे हैं। इसके अलावा सैंपल पर सरसों का तेल और लीची का शहद भी खरा नहीं उतरा। बाबा रामदेव के जो उत्पाद हैं उसमें सबसे अहम इस सरसों के तेल में जो ब्रांडिंग है वो पतंजलि नाम से है, लिखा हुआ है कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, असली सरसों की झांस, असली सरसों का स्वाद, 100% शुद्धता का भरोसा, ये इस पर लिखा हुआ है, 100% शुद्धता का भरोसा। और ये जयपुर से बनी हुई है, राजस्थान के जयपुर में इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेस्ड होता है और पैकिंग होती है। मस्टर्ड ऑयल के सापेक्ष में तो उन्होंने स्पष्ट रिपोर्ट में ये आया है कि ये बना कहीं और है करके, और उसके सापेक्ष जो यूज किया गया है यहाँ पे ना, तो यहाँ का किया है बना कहीं और पे है, ऐसा ही आया है। तो इसमें काफी सारी चीजें है कि भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कहीं टाइप तो नहीं है, ये सारी चीजें भी है, इसको भी हम देखेंगे। ऐसा कि कहा जा रहा है कि सरसों का तेल और लीची का जूस, उसके बारे में कि वो कहीं और बन रहा है और उसकी लेबलिंग कहीं और हो रही है, उसके संबंध में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश में वर्तमान में कानून है, उन कानूनों के अनुसार हम लोग कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को कहीं बनाए तो उस मैन्युफैक्चरर का उस लेबल के ऊपर नाम होना चाहिए, और यदि कोई दूसरी एजेंसी उसे मार्केटिंग करे तो उसका भी नाम होना चाहिए, और पैक के ऊपर दोनों का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरी तरह होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज ये दोनों कंडीशन